दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा न्यू ब्लॉग में। पहला ब्लॉग बनाने के बाद मैं बीमार हो गई थी, मुझे वायरल फीवर हो गया था। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। चलो आज मैं चलती हूँ रेलवे स्टेशन, मुझे मसाज कराना है, तो चलो चलते हैं। ओह, बहुत धूप था, अभी धूप थोड़ा कम गया है। तो गाइड्स, हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा बिलासपुर का रेलवे स्टेशन है। हम गाड़ी यहीं पे, नो पार्किंग है, फिर भी हम यहाँ पार्क कर दे रहे हैं। हाय गाइस, तो ये हमारा बिलासपुर जंक्शन है, आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ में आता है। फ़ौरन टिकट नहीं मिलेगा, 3 नंबर गेट पे मिलेगा। यहाँ से हमें टिकट नहीं मिला, हमें टिकट के लिए 3 नंबर के लिए फॉर्म में जाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा बन गया है रेलवे स्टेशन। हाँ, सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, देखने दो क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमारा रेलवे स्टेशन बहुत काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए हमारे बिलासपुर, बिलासपुर जंक्शन। हम अभी गेट नंबर 3 के पास पहुंच चुके हैं। रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पे रेल यात्री निवास भी है। इसका वीडियो मैं बाद में आपको बना के दिखाऊंगी, पहले मैं मसाज कर लेती हूँ। तो गाइड्स, हम अभी स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले हम टिकट ले लेते हैं। कितना चेंज चाहिए? 200 रुपये चेंज है। 50 रुपये? हाँ है, स्टार्ट 50 रुपये। अब मैं टिकट लेने से कर रही हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी, दिखाती हूँ। काफ़ी भीड़ है, सब मुझे घूम घूम के देख रहे हैं। ठीक है, कल मैं टिकट ले लेती हूँ। 20 रुपये के लिए मैं रिक्स नहीं लेना चाहती थी। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ये रहा रेलवे स्टेशन, राइट तरफ है फूड प्लाजा, और हमें जाना है मसाज के लिए। देखो वो रहा मसाज चेयर, मसाज चेयर कहाँ है मैं खुद नहीं दिख रहा था। ये है वेटिंग हॉल 2nd क्लास का, गाइस हम पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा मसाज सेंटर, अब हम मसाज कराते हैं। मसाज करवाना है कितना? मसाज करवाना था 50 रुपये में 5 मिनट, 100 रुपये में करते हैं। 50 रुपये में 5 मिनट, चलो तू भी कराएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना, पहली बार बैठ रही हूँ चेयर में।
मॉल में भी तो है। भैया वो 10 मिनट वाला कर दो। हाँ 10 मिनट। कोई डिस्काउंट डिस्काउंट चल रहा है क्या? दो जन का कैमरे के कारण क्या डिस्काउंट करूँगा? हाँ वो भी है, वो सब देख रहे थे हमें क्या डिस्काउंट कर सकते हैं। मम्मी वहाँ हाथ रख दो। हाँ ऐसा क्या तो गाइस आपने देखा मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे एक पार्लर नया खुला है, 1 साल हो गया मुझे पता भी नहीं है। पार्लर का नाम क्या है दीदी? नहीं पार्लर का नाम नहीं पता। हाँ ये पार्लर में ये दीदी है, ये मेरे आईब्रो बनाया इन्होंने मुझे मेरा, और मैं अब यहीं आया करूँगी। मुझे अगर पहले पता रहता तो मैं मसाज करने के बाद पेडिक्योर करा देती ये दोनों। बहुत अच्छा लगा दीदी के हाथ का। ये इनका छोटा सा शॉप है, देखिए मैं यहाँ पे आइसक्रीम बनवाई इसलिए दोस्तों कितना ना होंगे। ठीक है दोस्तों अब मैं ये ब्लॉग को यहीं पे रोकती हूँ और मैं थोड़ा मार्केट जाऊँगी, वहाँ पे सब्जी लेनी है। यहाँ का रेलवे स्टेशन देखिए कितना अच्छा है और यहाँ पे पार्लर भी है, मसाज भी है, हर चीज़ की सुविधा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।